राजकुमार गौड़ जी, पंजाब केसरी के संवाददाता भाई कृष्ण धमीजा जी, चंद्रमौली गौड़ जी, ग्रीन इंडिया के भाई मनोज गौड़ जी, अनुपम शिक्षा निकेतन के अध्यापक प्रेम और प्यारे बच्चों, आज 16 सितंबर का दिन हमारे विज्ञान और हमारी सोच के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम ओजोन दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारे कई लोगों को, इस समाज में कई लोगों को पता नहीं है कि ओजोन क्या है। आप लोग तो जानते हैं कि ओजोन एक गैस है। ओजोन का जैसे फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है आप बताएंगे? नहीं, ओजोन वो गैस है जो कि ऑक्सीजन, O2 तो ऑक्सीजन है, ओजोन गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, O3। अब ये गैस रहती कहाँ है? क्यों हम ओजोन को अपना सुरक्षा चक्र कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हमने अलग अलग लेयरों के हिसाब से बांटा है। जैसे कि जहाँ हम खड़े हैं, जिसको कहते हैं, उस पृथ्वी की उस पपड़ी को कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। जहाँ समुद्र है, जहाँ पानी है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के ऊपर का जो हिस्सा है वो कहते हैं एटमोस्फीयर, जिसमें हम हाथ हिला सकते हैं। ये आ गया एटमोस्फीयर। तो एटमोस्फीयर को फिर अगेन जैसे हम कई भागों में बांटते हैं, जो हमारा जो वातावरण है, तो पृथ्वी से कुछ दूरी तक, 8-10 किलोमीटर की दूरी तक, जैसे हम वो जोन को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, उसके बाद आयनोस्फीयर। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि हम जो ओजोन दिवस मना रहे हैं, ओजोन है कहाँ और कहाँ पे रहती है। तो ये मैं स्फीयर का, इन परतों का इसलिए आपको जो बता रहा हूँ कि ओजोन हमारा जो ये गैस है, जो ऑक्सीजन का त्रिगुणित जो गैस है, जिसमें कि ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, ये हमारे पूरे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पूरी फैली हुई है और चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है। चारों तरफ से ये गैस क्या है, पृथ्वी को घेरे हुए है, इसलिए हम कहते हैं उसको हमारा सुरक्षा कवच। अब सुरक्षा कवच क्यों है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो ओजोन का जो मुख्य जो कार्य है, ये है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य ही हमारे तारे हैं। सौरमंडल के मुखिया जो ग्रह हैं, जो तारे हैं सूर्य है। पूरे सही सारे सौरमंडल के ग्रहों को प्रकाश मिलता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें सूर्य ही रिस्पॉन्सिबल है, सूर्य ही उत्तरदायी है। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर, जितना सूर्य अग्निपिंड है, एक तारा है, और उस तारे में विभिन्न प्रकार के प्रकाश होते हैं, विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं। सारा विकिरण अगर पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी पे कोई भी लाइफ नहीं पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सूर्य के जो उस प्रकाश में ऐसा विकिरण भी मौजूद होता है जो कि अगर पृथ्वी पे पड़ जाए तो जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। कई ऐसे घातक विकिरण हैं कि जो आते ही किसी भी चीज़ को जर्मिनेट होने नहीं देते, उससे पहले ही उसको मार देते हैं, या उसकी व्यवस्था, उसके शरीर के अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन करके वो चीज उग नहीं सकती है, वो चीज चल नहीं सकती है। तो हमारी जो ओजोन की जो परत है, ये बेसिकली क्या काम करती है कि सूर्य के उस परावैंतनी, जो अल्ट्रावायलेट रेज अंग्रेजी में हम कहते हैं, कि अल्ट्रावायलेट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, और हमारे पास सूर्य का वही प्रकाश आता है जो यहाँ की सृष्टि चलाने के लिए आवश्यक है।
हमारे पास जो सात रंगी जो प्रकाश आता है जिसको हम विज्योर वॉयलेट है ऐसा जो सात रंगी जो प्रकाश है तो वो हमारे लिए आवश्यक है, न कि वो पराबैंगनी प्रकाश। अब प्रॉब्लम ये हुई, समस्या कहाँ से आई कि हमने जब से मानो पहले ओजोन का जो सुरक्षा चक्र एकदम ठीक था उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हमने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, हमारे यहाँ उद्योग बनने उद्योग अस्तित्व में आए पृथ्वी पे, बड़े बड़े उद्योग, तो ये 200-300 सालों के बीच की बात है, उन उद्योगों से कुछ ऐसी गैसें निकली हमारे घरों में, जैसे हम आराम से सोने के लिए एसी लगाते हैं, अब एसी से जो फ्रियोन जो गैस निकलती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ओजोन में छेद कर देती है, ओजोन पर अक्सर नुकसान पहुंचाती है। हमारे कई और भी ऐसी रासायनिक संयंत्रों से या न्यूक्लियर संयंत्रों से जो निकलने वाली जो गैसें हैं वो एटमॉस्फेयर में जा करके और उस लेयर को छेद कर देती है। अब वहाँ जब अगर छेद हो जाता है तो सूर्य का जो पराबैंगनी जो प्रकाश है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो पहले वापस सूर्य की तरफ जाता था परावर्तित होकर के, वो आ जाता है नीचे पृथ्वी पर और कई प्रकार की असाध्य बीमारियों को पैदा कर रहा है, जिसमें कैंसर एक ब्लड आपका स्किन कैंसर सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का। म्यूटेशन वो भी कैंसर ही को लीड करता है, म्यूटेशन होकर के जो आदमी की किसी भी जीवधारी की के शरीर में जब वो प्रकाश पड़ता है तो उसकी जो उसके शारीरिक बनावट है उसमें म्यूटेशन करा देता है, तो वो भी आदमी के या किसी भी जीवधारी के लिए खतरा ही है। ये प्रॉब्लम हमारे औद्योगिकरण से जुड़ी है, ये प्रॉब्लम हमारे सुख सुविधा से जुड़ी है। अगर आज विश्व के लोग ये संकल्प ले लें भाई कि हम चाहे हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े कि हम एसी में नहीं सोएंगे, एसी में काम नहीं करेंगे, लेकिन कितने लोग तैयार हैं कि जो एसी में काम नहीं करेंगे, एसी मुझे मिला है मैं तो आराम से रहूँगा, लोग यही कहेंगे हमें घर में एसी चाहिए, गाड़ी में एसी चाहिए, दफ्तर में एसी चाहिए। ऐसे उद्योग हैं जिनसे निकलने वाली गैसों का तो अगर वो उद्योग बंद करते हैं तो वो भी समस्याएं हैं। इसके लिए हमको ऊर्जा के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ऐसे जो कई सारी जो उसके साथ जो कई ऐसे उद्योगों से जो ऐसे गैसें निकलती हैं उनको चेक करना है तो ऊर्जा के स्रोत बदलने पड़ेंगे। गैर जो पारंपरिक अभी तक परंपरा से जो स्रोत हमारे पास ऊर्जा के हैं उनको छोड़ करके गैर परंपरावादी सोर्सों पे प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी किसी इस हिसाब से आपके पर्यावरण को ओजोन की लेयर को नुकसान नहीं करती है। बिजली से चलने वाली कई पनबिजली से चलने वाली कहूँगा मैं, पूरी बिजली से नहीं, क्यों कई बिजली जो है ताप से चलने वाली जो बिजली होती है थर्मल पावर, उसमें तो कहीं ना कहीं नुकसान है ही, क्योंकि जहाँ बिजली वो ताप से पैदा हो रही है और उस बिजली को पैदा करने के लिए वो उसके साथ मिनरल्स की जरूरत होती है, एटॉमिक एनर्जी है जो कि फिर जा करके रेडिएशन करके और ओजोन लेयर को खत्म करे, सारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच को खत्म कर दे, उसकी ऐसी चीज ऊर्जा ऐसी हो जो कि हानि रहित हो। अब जैसे कई हमारे शोध हो रही है इस पर, ऐसा नहीं है विश्व बिरादरी भौतिक बिरादरी सोई नहीं है, लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान निकले। अब बायोडीजल का तुम लोगों ने सुना होगा, बायोडीजल से लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बायोडीजल का प्रयोग कर रहे हैं, मोटर गाड़ियां चलाने का कोशिश हो रही है, ऐसे ही ऊर्जा के और भी कई सोर्सेस पे लोग ध्यान दे रहे हैं लेकिन अभी पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। सौर ऊर्जा भी एक ऐसा ही प्रयोग है, अन्य भी कई जैसे जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो हार्मलेस है, वो नुकसान नहीं करती है, लेकिन बिजली का संयंत्र जो ताप से चलता हो, जो एटॉमिक ऊर्जा से चलता हो,
जो मिनरल से चलता हो, जो कोयले से चलता हो, वहाँ ऐसे उद्योगों को हमें बंद करना होगा। इसी के लिए बच्चे से लेकर बड़े को आंदोलित होकर के एक सभा, एक माने एक हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम इन चीज़ों का प्रयोग न करें, कम से कम करें।